अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राज्य के विकासशील युवा और संघर्षों के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के प्रभारी और पूर्व मंत्री आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी, लेफ्ट के शुभेंदु सेन जी और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव परम आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित आदरणीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और आप तमाम पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कैमरामैन, तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन इस उत्सव सभागार में। अब से कुछ ही क्षणों में हम अपना न्याय पत्र आप लोगों के साथ साझा करेंगे और हम आदरणीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड प्रभारी आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव जी से और लेफ्ट के आदरणीय शुभेंदु सेन जी से, हमारे प्रभारी आदरणीय गुलाम अहमद मीर साहब से और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी से आग्रह करेंगे कि वो न्याय पत्र को आप लोगों के बीच लेकर के आए। ये हम लोगों का एक वोट और सात गारंटी है, जो गारंटी आप लोगों के बीच। हाँ, सभी लोगों से आग्रह है खड़ा होकर के, और जो हम लोगों की एक वोट और सात गारंटी की बात है उसको प्रदर्शित करेंगे। एक वोट सात गारंटी आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। अब मैं राज्य के विकासशील संघर्षों के धनी मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह करेंगे कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है,
फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों और आज इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, यहाँ उपस्थित आरजेडी के जेपी यादव जी और वाम दल के हमारे साथीगण, हमारे झारखंड प्रभारी मीर साहब और सभी गठबंधन के साथी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चुनावी समर है और सभी दल अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी करते हैं और इस चुनाव में या किसी भी चुनाव में दलों के द्वारा राज्य की जनता को ये बताना जरूरी है या जरूरी होता है कि अपने अपने दलों के पक्ष में वोट क्यों की जाए, मतदाता को क्या बताया जाए कि वो आपके पक्ष में वोट करे और इसको लेकर आज हम लोग महागठबंधन के सभी झारखंड में जो लोग गठबंधन में शामिल हैं वो एक साथ यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम लोगों ने आपके समक्ष इस चुनाव के बाद आने वाले सरकार में हम लोग किन किन कामों को प्राथमिकता के साथ आगे लेके चलेंगे। वैसे तो काम हजारों होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सरकार के चलने के क्रम में वो सारी चीजें आती हैं और उसे करना पड़ता है, तो जब सरकार बनेगी और सामने आएंगी उस बात को देखा जाएगा। लेकिन एक आउटलाइन राज्य की दिशा देने के लिए हम लोगों ने ड्रॉ किया है जो आपके सामने सात गारंटी के साथ अभी हम लोगों ने प्रस्तुत किया। अभी वर्तमान में हम लोगों की सरकार है और शायद वर्तमान में कई चुनौतियों के बावजूद महागठबंधन सरकार ने जो मेरे नेतृत्व में चल रही है एक ऐसी लकीर खींची है जो अलग राज होने के बाद जो इस राज में सबसे अधिक मौका हमारे विपक्ष के लोगों को दिशा देने का मौका मिला, उन्होंने राज को तो दिशा दिया नहीं बल्कि राज को दिशाहीन जरूर कर दिया। सरकार बनने के बाद कोरोना जैसा महामारी से हम जूझे, दो साल से अधिक लंबा उसमें सरकार का जाया हुआ और उसके बाद हमारे विपक्षों का षड्यंत्र, उन सब को जवाब देते हुए आज हम लोग चुनावी समर में पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे सरकार का कार्यकाल अभी एक महीना और होना था लेकिन कौन सी ऐसी विकट परिस्थिति आ गई कि आज चुनाव एक महीना पहले हो रहा है। राज अलग होने के बाद मुझे लगता है ये पहली बार हम इस चीज को देख रहे हैं
और ये मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के पास शक्तियां हैं, लेकिन शक्तियां भी हर लोगों का अपना अपना होता है, राज्य सरकार का भी, केंद्र सरकार का भी, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी उन शक्तियों के प्रति अपनी पारदर्शिता और न्यायपूर्ण और जनहित के लिए उपयोग करते हैं। तो आज चुनाव आयोग के आदेश अनुसार राज्य में चुनाव हो रहे हैं, और वो भी दो चरणों में। जहां पांच चरणों में चुनाव हुआ करते थे, आज दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। और इन सब के पीछे चुनाव आयोग का क्या तर्क है, क्या विषय है, वो तो आप सब लोग चुनाव आयोग से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हम लोग आज आपके समक्ष इस राज्य के लिए आने वाले सरकार का एक आउटलाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो आपको दिखाया जा रहा है, और इससे भी कहीं गहराइयों में जाकर राज्य सरकार काम करेगी, क्योंकि झारखंड देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। वर्तमान सरकार में हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है कि उन लोगों तक पहुंचे जहां आज तक सरकार की ना आवाजें पहुंची है, ना सरकार की कोई लोग पहुंचे हैं, ना सरकार की किसी तरीके की उपलब्धियां पहुंची। हम लोगों ने वहां तक पहुंचने का काम किया, और आज आप देखेंगे पूरे राज्य में लोगों के चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है, और इसी उत्साह उमंग के साथ आज चुनाव में सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। और बाकी विस्तृत रूप में हमारे आदरणीय खड़गे साहब विषय को बात को रखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हमारे यादव जी कुछ बात करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय और सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के आन बान और शान माननीय हेमंत सोरेन साहब जी, और लेफ्ट के आदरणीय शुभेंदु सेन जी, मीर साहब, सभी सम्मानित महागठबंधन के नेतागण, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने स्वयं जब अपनी बात रखने का काम किया तो सारी बात सामने आ गई, और आदरणीय खड़गे साहब स्वयं जो है अपनी बात जब रखेंगे तो और भी बातें आएगी। मुझे राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने और हमारे दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नामित किया है, और इसमें शामिल होने का मौका मिला है। झारखंड प्रदेश को बढ़ाने में और हर को सम्मान देने में जो महागठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काम किया है वह सराहनीय है, और वह सराहनीय ही नहीं है बल्कि एक वोट साथ गारंटी की योजना और भरोसा बरकरार गठबंधन सरकार पुनः जो है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार आएगी, और यहाँ जो नफरत फैलाने वाली ताकत है उसका ठोट ठिकाना नहीं रहेगा।
इतना ही मुझे कहना था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए आए हुए माननीय खड़गे साहब, हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राजद के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश यादव जी, वैसे तो ये जो जिस नए पत्र को हम लोग यहाँ प्रस्तुत करने के लिए एकत्रित हुए हैं, ये बेसिकली एक सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसलिए इसका तो तहे दिल से मैं समर्थन करता हूँ, हमारी पार्टी समर्थन करती है। लेकिन यहाँ मैं एक और बात कहने के लिए थोड़ा समय लेना चाहूँगा। अभी हाल में बहुत कम दिन हुआ, हमको डेट ठीक से याद नहीं है, रांची के प्रेस क्लब में इसी तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि ये जो एक हिस्टीरिया का मरीज के जैसा बिहेव कर रही है बीजेपी इस चुनाव में, उसके पीछे जो कारण है वो कारण है कि उनका एक हिडन एजेंडा है। अब वो हिडन एजेंडा क्या है, उसका एक छोटा सा तस्वीर आपको आज का एक वाकया से सुना देना चाहता हूँ। आज बड़का गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी आए हुए थे, और उनका स्वागत के लिए वो जो एक भाड़े पर लिया हुआ कैंडिडेट है बीजेपी के द्वारा रोशन लाल जी, तो उन्होंने करीब एक दर्जन बुलडोजर वहाँ उपस्थित किया, और उस हर बुलडोजर में बीजेपी का झंडा था। मैं समझता हूँ ये बहुत सिंबॉलिक है, और इसका जो संदेश है उस संदेश को सब मतदाताओं को बहुत बढ़िया से समझ लेना चाहिए कि अगर उनकी सत्ता कायम हो गया इस राज्य पर तो ये बुलडोजिंग का एक पूरा अध्याय शुरू होगा, और ये सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ टारगेटेड नहीं रहेगा। मैं समझता हूँ कि जो जितने भी झारखंडी है, आदिवासी है, मूलवासी है, ये सारे लोगों के खिलाफ एक बुलडोजर राज शुरू करने के लिए ये एक सिंबॉलिक प्रोग्राम था, और मैं समझता हूँ कि इसका बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और आपके माध्यम से मैं चुनाव कमीशन से एक और दरखास्त करूँगा, वो है कि ये जो हेमंत विश्व शर्मा है, वैसे लोग अब कहने लगे हैं कि ये विश्व शर्मा है, तो इनको झारखंड के लोग इनको एक तरह से पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिए हैं अवांछित व्यक्ति के रूप में, और मैं चुनाव आयोग से घोषणा करूंगा कि इस चुनाव में हर तरह का काम से उनको बरी किया जाए, उनको अलग किया जाए, तो शायद एक बेहतर चुनाव हम लोग यहाँ कर पाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, सभी को लाल सलाम। अब मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से आग्रह करूंगा कि वो आप लोगों से मुखातिब हों। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सम्मानित हेमंत सोरेन जी, चीफ मिनिस्टर झारखंड, गुलाम अहमद मीर, जनरल सेक्रेटरी AICC, जयप्रकाश नारायण यादव, श्री केशव महतो कमलेश और शुभेंदु सेन जी, और मीडिया के मेरे सारे दोस्तों, और यहाँ पर जो पधारे हैं बहुत से इम्पोर्टेंट लीडर्स। अभी आपके सामने हेमंत जी अपने विचार रखे और कैसा उन्होंने इस राज्य का कारोबार संभाला, कोविड से लेकर अब तक या जेल से लेकर अब तक
सारी चीजें उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर रखा। यह हमारी गठबंधन सरकार है जिसकी मुखिया हेमंत सोरेन जी करते हैं, और आज गठबंधन की टीम मिलके ये जो 7 गारंटी आपके सामने रखे हैं वो सब जनता के लिए है, और सामान्य जनता को इसका लाभ दिलाने के लिए ये गारंटी हमने माना है। और ये ऐसी गारंटीज है जो डुएबल हम कर सकते हैं, और हमारे बजट के अनुसार ही उस पे आधारित हम ये जो गारंटीज है ये जनता के सामने रखे। मोदी साहब का हमेशा जब हम कुछ गारंटी की बात करते हैं तो उसको फौरन उसके ऊपर टीकास्त्र करते हैं। कल शायद या परसों कल यहां आए थे झारखंड में, उन्होंने अपने विचार रखते हुए या भाषण देते हुए मेरा भी उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस के लोग जो गारंटी देते हैं उसका कोई भरोसा नहीं, और ये बात खड़गे साहब ने बेंगलोर में कही। देखिए, हम जो गारंटी देते हैं वो निभाते हैं, अनुष्ठान में लाते हैं, लेकिन मोदी जी जो गारंटी देते हैं और कहते हैं ये मोदी की गारंटी, उन्होंने कभी अपना वायदा पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरियों की बात हो, चाहे वो अपना डिमोनेटाइजेशन के वक्त उन्होंने जो बात की थी और किसानों का MSP मैं दुगना करूंगा, अगर उस वक्त एक बात भी उन्होंने बहुत धैर्य से किए, बहुत कॉन्फिडेंट से किए, कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं कर सकता, एक बहादुर प्राइम मिनिस्टर ही कर सकता है। जब वो अपनी बात रख रहे थे पार्लियामेंट में,